हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ब्लॉक प्राइमरी ऑफिसर की ऑनलाइन पोस्टें फिल करनी है पीपीएससी की, तो कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं उस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेडमास्टर की आपने, मिस्ट्रेस की, प्रिंसिपल की कैसे अप्लाई करनी है उसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया है। फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो आप एड्रेस बार में चले जाइए, यहाँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट लिख लीजिए, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ रहा है, यहाँ पर अप्लाई फॉर दी पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के पर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है जो हमारा ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर है। बाकी पोस्टों के लिए आप जो भी अप्लाई करनी है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल मैंने थर्ड वन अप्लाई करनी है, अप्लाई व्यू पर क्लिक किया। आप यहाँ देख सकते हैं उसकी डिफरेंट डेट्स दी गई हैं, यहाँ आप उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स है गाइडलाइंस रीड कर सकते हैं। फिलहाल हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपका फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पर आप फिल करेंगे कौन सी पोस्ट के लिए हैं। तो ब्लॉक प्राइमरी ऑफिसर के लिए आपका नाम, उसके बाद फादर जी का नाम, उसके बाद मदर जी का नाम, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी है आपकी, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए कैलेंडर पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो चूज़ कर लीजिए, उसके बाद आपका जो प्रॉपर मंथ है वो चूज़ करिए और डेट चूज़ करिए। यहाँ पर आप मैरिड एंड मैरिड हैं उसके अकॉर्डिंग चूज़ करिए। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी, स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी ईमेल आईडी के जो स्पेलिंग है जो आप बीच में लिख रहे हैं वो सारे करेक्टर्स से ही होने चाहिए। यहाँ पर मेलिंग एड्रेस दे दीजिए, कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई इश्यूज़ नहीं है, वो चलेगा आपका। स्पेलिंग वगैरह का बस ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ फीस बहुत ज़्यादा है। जनरल के लिए 3000 है, यहाँ पर देखिए मैंने एन नहीं डाला। सो जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो एक बार फॉर्म को प्रॉपरली चेक करिएगा, देन आफ्टर री चेकिंग द फॉर्म देन ही उसको लास्ट में सबमिट करिएगा। यहाँ पर आपका पिन कोड आएगा और फोन नंबर फिल करिए यहाँ पर। उसके बाद अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ये जो चेक बॉक्स आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे। कैटेगरी से पहले अगर आपका डोमिसाइल है आपके पास पंजाब का, ठीक है, अदरवाइज नहीं नो कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी चूज़ करिए और यहाँ पर ये जो स्टार्स हैं ये आपके जो बॉक्सेस हैं या ब्लॉक्स हैं इंपॉर्टेंट है फिल करना, जिन पर नहीं है वो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो जनरल कर दिया मैंने और फीस अमाउंट आपका यहाँ ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो यस कर दीजिए, एक्स सर्विस मैन यस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका ईयर आएगा, 10th की डिटेल्स, बोर्ड आएगा, कितने परसेंट मार्क्स थे, उसके बाद आप यहाँ से अपनी एकेडमिक डिग्री फिल करेंगे, तो यहाँ से आपकी बैचलर डिग्री, और यहाँ पर आपका यहाँ दिया भी दिया है, देखिए एक्सपीरियंस आपके लिए चाहिए 3 ईयर्स का जो अप्लाई कर रहा है। तो ईयर आ गया आपका, यूनिवर्सिटी आ गई, उसके बाद कितने परसेंट मार्क्स थे, देन यहाँ पर यस करेंगे बिकॉज इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, तो यस कर दीजिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस जितना भी है फिल करके यहाँ से ऐड कर देंगे। जब आप ऐड कर देंगे तो आपका ये नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा, यहाँ से ऐड कर दीजिए। तो यू आर नॉट एलिजिबल, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, एलिजिबल क्यों नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है यू डू हैव 2 ईयर ETT कोर्स, यहाँ पर डिप्लोमा DL सॉन डिगुना यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस मैंडेटरी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो चलिए यहाँ पर 3 ईयर्स, 2 ईयर्स तो नहीं है, 3 करके देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पर गलती हमसे कहाँ पर हुई है। नॉट एलिजिबल, यहाँ से मैं अपना ईयर चेंज करता हूँ, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ ETT का दिया तो नहीं है, चलिए देख लेते हैं गलती कहाँ पर हुई। एकेडमिक डिग्री ठीक है, परसेंटेज ठीक है, डिग्री कंप्लीटेड ठीक है, 2000 में यहाँ पर 8 के अकॉर्डिंग, चलिए 8, 9, 10, 12 कर लेता हूँ। ये डमी फॉर्म है, मैं आपको पहले बता दूँ। 85 यस, तो ऐड कर दीजिए। डिटेल तो आपकी ठीक है जो हमने फिल की है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो देखते हैं गलती कहाँ पर हुई है, तो गलती तो फिलहाल यहाँ पर हमसे कहीं नहीं हुई। तो एक बार देख लेते हैं नीचे क्या दिया गया है, अगर आपसे भी ऐसा कुछ हो तो देख लेते हैं। आफ्टर फिलिंग डिटेल्स क्लिक ऑन ऐड बटन इन द हेडर, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो वहाँ पर गलती शो होनी चाहिए थी, लेकिन गलती यहाँ पर शो नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, तो गलती देखिए क्या है। तो यहाँ से आपने इस डिप्लोमे को यस करना है, जो हमसे गलती हुई, आपसे भी ये गलती हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको यस करना है, फिर आपने ऐड करना है, बिकॉज उन्होंने स्पेशली यहाँ से मांगा है ETT वगैरह का, आपका ये डिप्लोमा वगैरह
या डीईएड कोर्स आपका होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मैंने सही कर दिया। तो ये थोड़ा स्टेप इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान रखिएगा, इसको आपने येस नो करना है। सो डिटेल ऐड है, पंजाबी आप पास होने चाहिए, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, सिख माइग्रेंट है येस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस, नहीं है, हैं वो उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। कोई आपका क्रिमिनल केस वगैरह या आपने कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप हैं येस नो कर दीजिए। फोटो की बात रही, यहाँ से फोटो चूज करिए, जो आपकी फोटो है क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फोटो का साइज है वो आप कैसे कन्वर्ट करना है, वीडियो मैंने पहले से अपलोड की है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट को सिलेक्ट करिए, कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। और एक और चीज़, इनकी फीस ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन मोड चूज़ करिए। यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करना है, पासवर्ड में आपके सबसे पहले एक करेक्टर आना चाहिए कैपिटल, बाकी स्मॉल, और बीच में कुछ स्पेशल सिंबल्स आने चाहिए और नंबर्स आने चाहिए। सो मैंने यहाँ से कर दिया, एक बार सारा थोरोली चेक कर लें। सो फिलहाल डिटेल मेरी ओके है, अगर कोई मिसिंग वगैरह रह गया तो आप उसको बाद में, तो चलिए करेक्शन देखते हैं। बट साथ के साथ आपकी करेक्शन हो जाए ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज करेक्शन अभी तक इनकी कुछ शो नहीं हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस इनकी बहुत ज़्यादा है, 3000 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो फिलहाल डिटेल मेरी ओके है, मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। फाइनली आपके जो फ़ोन नंबर आपने फिल किया उसमें और ईमेल आईडी, उस पर आपको मैसेज चला जाएगा। और यहाँ से आप क्लिक हियर टू प्रिंट चलान करिए, तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो चलान जनरेट होगा। कंट्रोल पी से प्रिंट करिए और जो आपका चलान है उसको यहाँ से सेव कर लीजिए। और इसको फॉर फ्यूचर प्रिंट के लिए मैंने इसको सेव कर लेता हूँ, पहले से मैंने दूसरा फॉर्म फिल किया था तो उसको 1 दे लेता हूँ। तो ये हमारा फिल हो गया। तो यहाँ से आप फिर से अपने फॉर्म को क्लिक हेयर टू एडिट द एप्लीकेशन, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पर आगे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सबसे पहले मांगेगा आपसे जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा जो यहाँ पर पहले से फिल्ड है। फिर आपको पासवर्ड फिल करना होगा, पासवर्ड थोड़ा ध्यान से फिल करिएगा। उसके बाद पासवर्ड फिल करके आपने यहाँ पर जो इमेज दी गई है उसको फिल करना है, इमेज कैपिटल में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे इमेज दी गई वैसे ही आपने फिल करनी है। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये स्पेशल लॉगिन था फॉर्म को प्रिंट करने के लिए, जो आपका चलान था। तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि आपका चलाना आपने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया। सो आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, एडिटिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ऑनलाइन एडिटिंग करेक्शन स्टार्ट होगी। ओटीपी की हेल्प से आपने पासवर्ड कैसे रिकवर करना है इसका वीडियो भी मैंने पहले से अपलोड किया है। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस करके देखिए, कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म हमारे थ्रू अपना फिल करवाना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और व्हाट्सअप नंबर मिलेगा उस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपकी जो भी है सारी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे बता दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।